हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक न्यू और कमाल की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ब्लूटूथ स्प्लिटर बना करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। आपने थंबनेल में देख ही रखा होगा कि मैंने कैसा बनाया है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही छोटा, प्यारा और सुंदर सा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट, और आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या सामान लगेगा इस वीडियो में। दोस्तों, ये था कुछ सामान जो मैंने आपको दिखा दिया, और आगे अभी कुछ सामान और लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल MDF बोर्ड का यूज़ ले रहा हूँ, और आप कार्डबोर्ड या फिर किसी और चीज़ का यूज़ भी कर सकते हो। और अभी मैं इसे फॉइल से यानी रेती से थोड़ा रफ कर ले रहा हूँ। देखिए, ब्लूटूथ की जो हमारी मॉड्यूल है वो हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसे मैं चिपका दूँगा, और अभी इसकी वायरिंग आप देख लीजिए। जो मैंने पकड़े हुए हैं वो हैं इसके वो हेडफोन जैक के वायर, और जो दूसरे वाले हैं वो है बैटरी के। और अभी आपको मैं इसमें दूसरे जो आगे बटन में एक वायर लगाना है और एंटीना का, दोनों वायर लगा करके आपको दिखाता हूँ मैं अभी। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो बटन में दो वायर लगाने थे वो और एंटीना का वायर अच्छे से लगा लिया है, देख सकते हो। बटन का जो वायर है दोस्तों, आपको बहुत सावधानी से लगाना है, वरना अगर दोनों एक साथ टच हो गए तो फिर वो हटेंगे नहीं। और अभी मैं इस मॉड्यूल को अपने वो जो छोटा सा मैंने MDF बोर्ड का पीस कट करा था उसमें चिपका ले रहा हूँ फेविक्विक से। फेविक्विक से काफ़ी सही चिपक जाता है, इस वजह से मैं उसका यूज कर रहा हूँ। और अभी मैं इसे पूरी बॉडी में चिपकाने के लिए फेविकोल का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, लकड़ी के लिए सबसे बेस्ट रहता है फेविकोल। अभी मुझे एंटीने का वायर निकालना है, और उसके लिए मुझे बाहर एक होल करना होगा छोटा सा, तो वो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और दोस्तों देखिए, मैंने अभी जो होल करना था कर लिया, और अभी आपको बताऊँगा बैटरी। तो बैटरी आप दोस्तों अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो। मेरे पास एक बैटरी पड़ी थी छोटी सी, मैंने अभी वही लगा ली है। और आपके पास भी जौन सी अवेलेबल हो आप वही लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास एक छोटी सी नोकिया की बैटरी, और देखिए मैंने इसमें दो वायर अलग से लगा लिए हैं। प्लस माइनस आपको देख के लगाने होंगे, वरना आपका मॉड्यूल चलेगा भी नहीं, और हो सकता है कि शायद ख़राब भी हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने जो मॉड्यूल में सॉरी बैटरी में जो वायर्स लगाए थे उसमें मैंने अच्छी तरह से टेप वेप कर लिया है, और याद रखने के लिए एक गिठान भी लगा ली एक वायर में, कौन सा प्लस था। और अभी मुझे हेडफोन का जो जैक होता है उसे भी लगाना है यहाँ पर, उसका भी कनेक्शन करता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ किस तरह से मैंने कनेक्शन किया। दोस्तों फिलहाल अभी मैंने इसे चिपका लिया है, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मैंने इसमें होल करके चिपका लिया था। और फिलहाल अभी मैंने इसमें कनेक्शन भी सही से कर दिए। आप लोग एक बार कनेक्शन काफ़ी अच्छे से ध्यान से देख लो, और अगर कनेक्शन में आपको कोई दिक्कत होती है इसके हेडफोन जैक के दो या तीन आप लगाते हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी। और अभी मुझे इसमें दोस्तों चार कोने का होल करने होंगे, बड़ा मेहनत लग गया इसे करने में। और देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का हो गया है, बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन काम चलने के लिए तो बढ़िया है। अभी आपको बटन का कनेक्शन बता रहा हूँ मैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। बस इसे सामने सामने से लगा देना है, इस बटन की चार टांग होती हैं, आपको बस कुछ इस तरह से लगा देना, ऑन ऑफ का काम आपका हो जाएगा इसी से। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों बटन लगा लिए अच्छे से, और अभी मैंने जो सेकंड वायर निकाले थे बैटरी से उसमें मैंने बटन और बल्ब दोनों ही ऐड कर लिया है। बल्ब हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से, और इसे मैं पीछे हीट सिंक लगाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो बल्ब है बहुत ज़्यादा हीट होता है, आपको भी लगाना ही चाहिए इस बल्ब के साथ, हमेशा हीट सिंक जरूर होनी चाहिए। इस तरह से मैं आपको लगाता हूँ, और देखिए दोस्तों मैंने लगा रखा है पूरा का पूरा।
आपको भी कुछ इसी तरह से लगा लेना है पूरा। तो दोस्तों अभी मैं इसे पूरा अच्छे से पैक वैक करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैंने बढ़िया पैक करके इसे रेती से थोड़ा घिस घस के रेगमाल से बढ़िया कर लिया और एकदम शानदार लग रहा है, छोटा सा प्यारा सा। दोस्तों आप भी इसी तरह से बना सकते हो। और आपको दोस्तों बताऊं कि जो एंटीना का वायर मैंने निकाला था वो साइड से मैंने हल्का सा छील करके उसे कट कर दिया है, बस उसका काम इतना ही था। आप चाहो तो दोस्तों ना भी निकालो, कोई ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं है। ये देखिए टॉर्च बढ़िया वर्क कर रही है। चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कैसा चलता है ये। देखिए दोस्तों अभी मैं इसे लीड में चेक करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कमाल की वीडियो देखने के लिए। और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ पूछना हो या बताना हो तो। तो अभी आपने सुनी इस लीड की आवाज, देख सकते हैं कुछ इस तरह की है इसकी आवाज। तो दोस्तों आपको कैसी लगी इसकी आवाज? लीड मेरी थोड़ी सही नहीं इस वजह से काफी बढ़िया आवाज नहीं हुई, लेकिन आप इसमें जैसे आप लीड यूज करते हो या फिर जो भी आप इसमें सिस्टम लगाते हो बढ़िया वर्क करेगा, ये मेरी गारंटी है। और चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।